हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग भारत के नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हम लोग का जो भी नया वीडियो हो उसको उसका अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए तो देखिए, पहला कंट्री हम लोग देखते हैं म्यांमार। ठीक है, तो पहला कंट्री म्यांमार का देखिए, इसका फ्लैग देख लीजिए कि कभी कभी फ्लैग भी पूछा जाता है, फ्लैग से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इसका कैपिटल कहाँ है, नया कैपिटल है नया फिद्वा, और लार्जेस्ट सिटी जो है वो फॉर्मर कैपिटल जो था यगून और रंगून था, रंगून था ये था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। म्यांमार ऑफिशियल द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार एंड फॉर्मली नोन एज बर्मा इज ए सॉवरिन स्टेट। तो पहले यहाँ पर राजा थे, उसके बाद फिर मिलिट्री का राज चला, और अब वो सॉवरिन स्टेट हो गया है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, द इनकम गैप इन म्यांमार इज एमंग द वाइडेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट इनकम गैप किस कंट्री का है, तो वो है म्यांमार। वाइडेस्ट इनकम गैप मतलब कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर जो है सबसे ज़्यादा म्यांमार का ही है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार जो म्यांमार का रैंकिंग 2016 में है वो 145 है 188 कंट्रीज में से। नेक्स्ट देख लीजिए, म्यांमार हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन एशियन नेशन सिंस 1997 से ये एशियान मेंबर का मेंबर बना हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत से कौन सा ऐसा एशियान कंट्री है जो बाउंड्री है, तो वो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार का है, क्योंकि एशियान में सिर्फ और सिर्फ म्यांमार है जो कि उसका मेंबर है, ना ही पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब एशियान के मेंबर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के साथ एशियान कंट्री कौन बाउंड्री बनाता है। करेंसी क्या है, तो उसका है कैट। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस कब मिला था, तो 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, उसके बाद 1962 से यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार इज बाउंडेड बाई किस किस कंट्री से ये इसका बॉर्डर जो टच करता है, तो इंडिया बांग्लादेश से वेस्ट में टच करता है, थाईलैंड ए लॉस से इसका ईस्ट में टच करता है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से ये नॉर्थ में टच करता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, म्यांमार कितना किलोमीटर, ये अभी CHSL का एग्जाम जो चल रहा है उसमें आया था कि म्यांमार कितना स्क्वायर किलोमीटर में है, तो 676.578 किलो स्क्वायर किलोमीटर उसमें इसका साइज है। देखिए 1/3 ऑफ म्यांमार टोटल पेरीमीटर इज इतना फॉर्म्स एन अनइंटरप्टेड कोस्ट लाइन ऑफ 1930 किलोमीटर अलोंग द बे ऑफ बंगाल। मतलब कि जितना उसका बाउंड्री है अनइंटरप्टेड, उसमें से 1930 जो है वो बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार के साथ बनाता है। उसका टोटल एरिया जो है किलोमीटर में 678.500 है। ठीक है, और 2014 के सेंसेक्स के अनुसार म्यांमार का पॉपुलेशन जो था वो 51 मिलियन था, और 2017 में उसका पॉपुलेशन हो गया है 54 मिलियन। तो पॉपुलेशन भी पूछा जा सकता है। म्यांमार में टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, म्यांमार इज बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बाई द चिटगोंग डिवीजन इन बांग्लादेश। तो नॉर्थ ईस्ट में किससे बॉर्डर बनाता है, तो बांग्लादेश से। और देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के किस किस स्टेट से इसका बॉर्डर टच होता है, तो वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चार से इसका टच होता है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और देखिए इसका लॉन्गेस्ट इरावडी रिवर जो है, ये म्यांमार का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये गिरता कहाँ पर है, द गल्फ ऑफ मैटेबान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि म्यांमार कंटिन्यूज टू परफॉर्म बैडली इन द ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में है म्यांमार बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, और उसमें उसका जो रैंकिंग दिया गया इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की तरफ से वो 153 है 180 कंट्री में 2016 में। और 2018 में ये करेंट का क्वेश्चन हो गया कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में म्यांमार का कितना है, तो 138 है, थोड़ा सा उससे इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज दो गो है, तो नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी एंड यूनियन सोलिडरिटी एंड द डेवलपमेंट पार्टी, वहाँ दो पार्टी है। देखिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, थीन सेन
बिकम द फर्स्ट म्यांमार प्रेसिडेंट टू विजिट व्हाइट हाउस 47 ईयर्स, जो थीन सेन थे 47 साल पहले व्हाइट हाउस पहुँचे थे. उसके बाद द लास्ट बर्मीज लीडर टू विजिट द व्हाइट हाउस वॉज लीविन इन सितंबर 1966. कहने का मतलब है कि लीविन जो थे वो 1966 में व्हाइट हाउस पहुँचे थे, और थीन सेन जो थे वो 2015 या 16 में गए थे बैरक ओबामा से मिलने के लिए. तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि 47 साल बाद म्यांमार का कौन सा प्रेसिडेंट जो है वो यूएस व्हाइट हाउस में गया था, तो वो थे थीन सेन. नेक्स्ट देखते हैं, कलडान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ये इंडिया से कलडान प्रोजेक्ट है, और कलडान एक मेघालय के पास में रिवर है, कलडान उसी के नाम पर रखा गया है. तो देखिए, दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम द कलकत्ता टू सिटी बाय द अप्रोक्सीमेटली 1328 किलोमीटर, एंड विल रिड्यूस द नीड टू ट्रांसपोर्ट द गुड थ्रू द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एज नोन एज द चिकन नेक. तो देखिए, पहले जो हम लोग सामान इधर से भेजते थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, तो उसमें 7 दिन लग जाता था. अब जो है ये कलदान प्रोजेक्ट अगर तैयार हो जाता है तो इसमें 3 से 4 दिन में ये कोई भी सामान हम लोग मेघालय तक पहुँचा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक. तो ये कलदान प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करेंट में भी आ सकता है. इसी से रिलेटेड देख लीजिए कि यहाँ कोलकाता से ये गया और ये पहुँचा स्वीटी, और वहाँ से फिर वो मेघालय में पहुँच जाता है. तो नरेंद्र मोदी ऑफ गवर्नमेंट इज़ फाइनली ऑन द कोर्स ऑफ कंप्लीटिंग 487 मिलियन कलदान मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन म्यांमार डेट विल ऑफर कनेक्टिविटी ऑफ मिजोरम इन इंडिया. कलदान वॉज द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट टेकन बाय द इंडिया एंड म्यांमार, और म्यांमार में ये इंडिया की तरफ से पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है, और सी रूट 3539 किलोमीटर का है. नेक्स्ट देखते हैं, इस देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट कौन सा है, तो पार्लियामेंट्री हो गया, प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट काउंसलर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है. तो ये सारे जो है ये करेंट में हैं अभी, तो ये इनको देख लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट देखते हैं, पगोन किंगडम. ये सारे किंगडम और डायनेस्टी है भूटान के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेगोन किंगडम. पेगोन किंगडम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी ये जहाँ पर पेगोन किंगडम था, इसी पूरे किंगडम को हम लोग आज के डेट में म्यांमार कहते हैं. तो देखिए, ये हो गया पेगोन किंगडम, ये बहुत ही खूबसूरत है. देखिए, कोचिन स्टेट एट एन एलिवेशन ऑफ इतना मीटर इज द हाइएस्ट पॉइंट इन म्यांमार. ये कोचिन स्टेट जो है ये हाइएस्ट एलिवेशन, वो हाइएस्ट पॉइंट है म्यांमार का. और देखिए, और नेक्स्ट देख लेते हैं, अनवरथा फाउंडेड द पेगोन किंगडम. कौन फाउंड किया था? अनवरथा. द फर्स्ट एवर प्यूरिफिकेशन यूनिफिकेशन ऑफ द इरवेडी वैली एंड द पेरीफेरी. द पेगोन किंगडम कौन बनाया था? अनवरथा. ये भी आपको पता हो जाएगा, अच्छा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज वंस कैपिटल ऑफ फर्स्ट किंगडम ऑफ वाट विल बिकम म्यांमार नेशन. पहले ये कैपिटल था, और अब आज के डेट में इसको म्यांमार नेशन के रूप में इसको जाना जाता है, पेगोन किंगडम को. म्यांमार इज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन इन द साउथ एशियन एशिया. द साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पुअरेस्ट कौन है? वन ऑफ द पुअरेस्ट मतलब एक गरीबों में से यह एक म्यांमार देश है, साउथ ईस्ट एशिया में गरीब में से. द मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है? राइस है, विच कवर 60% ऑफ द कंट्री टोटल कल्टिवेशन लैंड एरिया. तो 60% में लोग का राइस कल्टिवेशन होता है. यहाँ से एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो ओपियम प्रोड्यूस होता है वो म्यांमार से होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओपियम कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो है म्यांमार. नेक्स्ट देखते हैं, रूबीज आर द बिगेस्ट अर्नर. 90% ऑफ ऑल रूबीज कम फ्रॉम द दिस कंट्री. तो रूबीज जो पत्थर होता है जो बहुत कॉस्टली होता है, वो जो मैक्सिमम 90% है वो म्यांमार से ही आता है, इसीलिए म्यांमार को वैली ऑफ रूबीज बोला जाता है. म्यांमार का यंगून स्टॉक एक्सचेंज जो है ये मार्च 2016 में ओपन हुआ था, ठीक है. फर्स्ट म्यांमार इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बिकम द फर्स्ट स्टॉक टू बी ट्रेड आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ लोन ऑफ फाइनेंस इतना कैट्स, ठीक है. ये देख लीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बहुत 2016 का करेंट में आ सकता है कि कौन सा कंट्री है जो 2016 में अपना स्टॉक एक्सचेंज पहला स्टॉक एक्सचेंज खोला है. चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फैक्ट बुक म्यांमार इज वन ऑफ 3 कंट्री अमंग द लाइबेरिया यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट हैज अडॉप्टेड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. नॉट अडॉप्टेड. तो देखिए, ये 3 में से एक ऐसा कंट्री है जो इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसमें कौन कौन सा है, लिबेरिया, यूनाइटेड स्टेट और म्यांमार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को कौन कौन सा कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसमें म्यांमार भी आता है। द साइन टिबेटियन लैंग्वेज आर मोस्ट वाइडली स्पोकन, द साइनो टिबेटियन जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा बोला जाता है। बर्मीज द मदर टंग ऑफ बर्मा एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ म्यांमार। और देखिए, और एक और करेंट का क्वेश्चन हो गया कि SBI जो है, इंडिया का SBI, वो अपना पहला फॉरेन फॉरेन ब्रांच जो है म्यांमार में खोला है, यो यंगून द कैपिटल ऑफ म्यांमार, जो ओल्ड कैपिटल था उसका, यंगून, रंगून जिसको बोला जाता है, वहाँ पर खोला गया है। म्यांमार वॉज गिवेन ऑब्जर्वेशन स्टेट इन द सार्क, सार्क सम्मेलन जो एशिया का होता है उसमें म्यांमार को ऑब्जर्वेशन स्टेटस दिया गया है 2008 में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।